मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये कैफ बनाई है। ये मैंने गरम टी शर्ट के कपड़े में से बनाई है और मैंने ये लेस लगाई है थोड़ी, और थोड़ी मैंने ये कारे कपड़े की किनारी रखी है। गार्निश इसके लिए यानी इसकी सजावट के लिए ये मैंने पिन लगाई है। यहाँ पर देखो कितनी सुंदर सा प्यारी सी कैफ बनके तैयार है। इसमें मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये बनके तैयार हो जाती है। इसे मैंने 1 साल के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे तक कोई भी इसे पहन सकता है, बच्ची या बच्चा, तो उसी के लिए बनाई है। अगर आप इससे छोटी बनाना चाहती हैं, आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, तो आप छोटी भी इसे बना सकती हैं। मैंने इसका गोलाकार 8 इंची का कट किया था, तो आप इसका गोलाकार 4 का या 5 का भी कट कर सकती हैं, तो छोटे बच्चे के लिए भी बनके ये तैयार हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे टी शर्ट के कपड़े में से और लेस और गार्निश के लिए यानी इसकी सजावट के लिए ये पिन लगाई है, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए ये मैंने टी शर्ट ली है, ये गरम टी शर्ट है। अगर आपके पास कोई और कपड़ा है तो आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी सूती कपड़ा हो या टी शर्ट का कपड़ा हो, गरम या कोई भी हो स्टेच वाला, देखिए, या आप सूती कपड़े में से बना रही हैं तो वो भी बन जाएगी। तो आज मैं इस कपड़े में से आपको कैफ बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें कैफ बनानी है इसमें से। तो देखिए पहले हमें इसे सिंगल करना है, ये डबल है और इसे हम सिंगल करेंगे। तो देखिए मैंने ये सिंगल कपड़ा कर लिया है अपना, तो एक हिस्से को हम हटाकर रख देंगे और किसी काम में आ जाएगा। और सिंगल कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे, इसे डबल करेंगे, फिर एक बार और डबल करेंगे, सेंटर पे उंगली रखकर, यहाँ पे सेंटर पे उंगली रखकर इस तरीके से एक और बार डबल करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से इसकी चौड़ाई लेनी है हमें 8 इंची, यानी लंबाई और चौड़ाई सभी हमारी 8 इंची होगी। इस तरीके से घुमाकर ही हम निशान लगाएंगे। देखिए अगर आप बड़ी कैप बनाना चाहती हैं तो 9 इंची भी ले सकती हैं, छोटी बनाना चाहती हैं तो आप 7 इंची भी ले सकती हैं। इस तरीके से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे हमें कट करना है इस तरीके से। किनारी अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ। देखिए देख रहे हैं कितनी आसानी से ये गोला कट हो गया। देखिए तो अब क्या करेंगे, इसकी किनारी सेट करने के लिए हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसे हम, ये मैंने कपड़ा देखिए 2 इंची का कट किया है इसकी किनारी रखने के लिए, इसकी किनारी को रखने के लिए। तो
तो एक बार मैं आपको रखकर भी बता देती हूँ कि इस तरीके से रखना है। तो सबसे पहले हम अपनी पट्टियों को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। ये मैंने पट्टियां जॉइंट कर ली हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये मैंने गोला कट किया था तो उल्टी तरफ से इस तरीके से रखेंगे। ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ है। देखिए उल्टी तरफ से, ये उल्टी है ना, इधर की साइड से ही मोड़ेंगे ऐसे। तो पहले थोड़ा सा होल्ड करेंगे और इसे भी हम डबल करेंगे। देखिए इसे भी डबल कर लिया है मैंने। तो अब इसे हम यहाँ पे रख के उल्टी तरफ और सिलाई करते जाएंगे, किनारी किनारी पे सिलाई करेंगे। किनारी पे हम सिलाई कर लेते हैं, थोड़ी सी पट्टी इसके ऊपर रख के और सिलाई करेंगे। बची हुई पट्टी को भी कट कर देते हैं। तो देखिए ये मेरी पूरी किनारी पे लेस रख ली है मैंने, यानी देखिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इस तरीके से सीधे की तरफ कपड़े को मोड़ लेंगे, फिर से इस पे सिलाई करेंगे। और सिलाई करते ही समय हम अपनी लेस भी लगाते जाएंगे, जो हमने पतली सी ये लेस ली है उसे भी लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही लेस लगाते जाएंगे और किनारी को भी सेट करते जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए पूरी किनारी पे लेस लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने किनारी पे इस तरीके से लेस भी रख ली है और किनारी भी अच्छे से सेट हो गई है। देखो ये बहुत ही आसान तरीका है किनारी को सेट करने का, उल्टे और सीधे की पता भी नहीं चलती इसमें। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे, उल्टी तरफ, देखो उल्टी तरफ और 1.5 इंची नाप के यहां पर ये मैंने पतली यानी रबड़ ली है, बहुत ही पतली है ये, ज्यादा टाइट भी नहीं होती है ये, देखिए पतली वाली है। तो अब क्या करेंगे, 1.5 इंची पर इस इलास्टिक को हम लगाते जाएंगे, 1.5 इंची पर ही लगाएंगे और अपनी इस 12 इंची के फुटा को ऐसे ही लगाते जाएंगे ताकि टेढ़ी नहीं हो। सिलाई करेंगे, जोत से नहीं खींचेंगे, हल्की सी चुनटिया बस, हल्की हल्की सी चुनटिया लगाएंगे। तो पहले इस तरीके से देखो सिलाई कर लेते हैं इस पर। अगर आप निशान लगाकर लगाएं इस तरीके से इलास्टिक तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए उसके बगल में ही एक और मशीन लगाते हैं। हम डबल मशीन लगा लेते हैं। तो देखिए ये मेरी कैप सिल के तैयार है। तो देखिए आज मैंने कैप बनाई है बहुत ही अच्छी और प्यारी सी। तो ये मैंने 1 साल के बच्चे से लेकर 5 साल से बच्चे तक बनाई है। इसे कैप को कोई भी 5 साल तक पहन सकता है बच्चा। देखिए कितनी आसान तरीके से कितनी सुंदर सी प्यारी सी ये कैप बना के मैंने तैयार की है।
इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए सुंदर सी प्यारी सी कैफ बनके तैयार है। इसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।